हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयूट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BHD 142 में आधुनिक युग के महत्व और इसके युग का सीमांकन के साथ इसके महत्व को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप BHD 142 और BHD 143 तथा अन्य विषयों पर अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में, इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके वो वीडियो देख के अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जब आधुनिक युग के महत्व को हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले यह आधुनिक युग कब से प्रारंभ होता है यह जान लेना आवश्यक है। तो यूरोप के संदर्भ में आधुनिक युग का जो आरंभ होता है वह 15वीं-17वीं शताब्दी में माना गया है। पर जो यह धारणा है वह दुनिया के हर क्षेत्र, हर देश पर लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर एक दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ 15वीं और 17वीं शताब्दी में ही आधुनिक युग का प्रारंभ हो चुका था, ऐसा नहीं था। सभी जगह यह काल समय अलग अलग है। यूरोप के आधुनिक युग से हमारा आधुनिक युग भिन्न है। यूरोप की आधुनिक चेतना ने औद्योगिक पूंजीवाद से महाजनी पूंजीवाद तक की यात्रा करते हुए अपना स्वरूप विकसित किया। जो यूरोप की जो आधुनिक चेतना है वह औद्योगिक पूंजीवाद से लेकर के महाजनी पूंजीवाद तथा तक की यात्रा करते हुए अपना स्वरूप विकसित करता है। भारत के संदर्भ में आधुनिक युग के अब तक के जटिल विकास के सामंतवाद के अवशेष बचे रह गए हैं। भारत में जो आधुनिक युग है इस युग में भी हमें जो पूर्व के कालखंड के जो सामाजिक चेतना थी वह हमें जीवित दिखाई देता है, जैसे सामंतवाद, इसके अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। 15वीं-17वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में आधुनिक युग के उदय की संभावना उभरने लगी। 15वीं-17वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में आधुनिक युग के उदय की संभावना उभरने लगी थी। नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, आधुनिक विज्ञान का उदय, सामंतवाद का विघटन, उपनिवेशीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्रायः जहाँ भी जिस रूप में भी आधुनिक युग का उदय हुआ उसके कुछ प्रमुख लक्षण यही थे। जो आधुनिक युग का जो उदय हुआ उसके जो प्रमुख लक्षण हैं वह है नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, आधुनिक विज्ञान का उदय, सामंतवाद का विघटन, उपनिवेशीकरण, औद्योगिक क्रांति, ये सब जो है आधुनिक युग के उदय के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के साथ स्वतंत्रता, समानता, नागरिक अधिकार जैसी अवधारणाएं विकसित हुई जो आगे की आधुनिकता की चेतना के उत्पादनों के रूप में जानी गई। जो आधुनिकता की जो चेतना है वह हमें कैसे लोगों में उभरी, लोगों के अंदर स्वतंत्रता, समानता, नागरिक अधिकार जैसी अवधारणाएं जब विकसित होने लगी। भारतीय साहित्य में आधुनिक युग की पहचान राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष और नवजागरण की चेतना के साथ संभव हो पाई। जो भारत में जो साहित्य में जो आधुनिक युग की पहचान है वह राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष और नवजागरण की चेतना के साथ संभव हुई। अंग्रेजों के भारत में पैर जमने लगे और आधुनिक शिक्षा का प्रचलन आरंभ हुआ, उसके साथ साथ यहाँ के शिक्षित वर्ग में भी नई चेतना का उदय होने लगा, जिसमें राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार और समंतवाद विरोधी चेतना के रूप में कुछ लक्षण उभरकर सामने आने लगी। 20वीं सदी तक आते आते इसके प्रति उपनिवेशीकरण और साम्राज्यवाद विरोध की चेतना आ जुड़ी। जब 20वीं सदी में हम देखते हैं तो इसमें हमें दिखता है कि जो भारतीय जनता है वह उपनिवेशीकरण के विरोध में तथा साम्राज्यवाद के विरोध में बात करने लगे तथा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे। तो यह आधुनिक युग का सीमांकन कि कब और कैसे आधुनिक युग प्रारंभ होता है, उसमें क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, यह हमने जाना। तो आइए जान लेते हैं इस आधुनिक युग की विशिष्टता क्या थी। जब हम 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य तक के विकास क्रम को देखते हैं, इस अवधि में आधुनिक युग की विकास अवस्थाओं का अध्ययन रोचक और उपयोगी लगता है।
19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान राष्ट्रीयता की अपनी अवधारणा विकसित करने का प्रयास दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान राष्ट्रीयता की अपनी अवधारणा, यह भारतीयता की अपनी पहचान निश्चित करने वाला दौर था। यह जो दौर था, भारतीयों में देशभक्ति की भावना को जगाने वाला दौर था। कुछ आगे मैथिली शरण गुप्त के यह सवाल पूछने तक, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आधुनिक युग की यह आरंभिक उलझन बनी हुई थी कि हमारी अतीतोन्मुखता, वर्तमान की चिंता और भविष्य की कल्पना के बीच ठीक ठाक क्या रिश्ता बने। जब आधुनिक युग जब प्रारंभ हुआ तो यह प्रश्न लोगों के अंदर थी, क्या हम अपने अतीत को लेकर ही आगे बढ़े या वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहा है, जो परिवर्तन जो औद्योगिक क्रांति के रूप में थी उसे अपनाएं, आधुनिक शिक्षा को अपनाएं, या जो अतीत में हमारा कैसा होगा, इन तीनों के बीच किस प्रकार से सामंजस्य बैठाएं, इसकी बात हो रही थी। एक ओर अतीत पर जोर देते हुए वैदिक युग की वापसी की बात की जा रही थी। एक विचार यह था कि जो हमारे पौराणिक परंपरा है उसी रास्ते पे हम आगे बढ़े, एक ओर तो दूसरी ओर अतीत को पूरी तरह से छोड़कर पश्चिम के अनुगमन को आदर्श बताया जा रहा था। तो दूसरे ओर कुछ ऐसे सोच थे जो अपने अतीत को भुला करके जो पश्चिमी जो सभ्यता थी उसको अपनाने पे जोर दे रहे थे। 19वीं सदी के अंत तक आते आते हम अतीत और वर्तमान के बीच एक सही वस्तुपरक और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सके, जो विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ के माध्यम से सामने आया, तथा इन उलझन को समझते समझते कुछ ऐसे दृष्टिकोण लोगों में विकसित हुई जो पारंपरिक तथा पश्चिमी दोनों से संबंधित, दोनों के अनुकूल जो विचारधाराएं थी लोगों ने अपनाना प्रारंभ कर दिया। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको और सहज बनाया, वे थे विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ आदि। फिर भी भविष्य का हमारा मार्ग क्या हो, यह द्वंद्व बना ही रहा। इसका मंथन 20वीं सदी के आरंभ में से ही शुरू हुआ और 1917 की सोवियत क्रांति ने एक तरह से यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। सन 1920 के आसपास कांग्रेस में समाजवादी मंच की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन तथा अन्य कई बातें इसकी सच्चाई की घोतक थी। साहित्य में प्रेमचंद, निराला, नजरुल, जोश, महिलावादी, श्री श्री आदि ने इस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी इसी दृष्टिकोण के बढ़ते प्रभाव का परिणाम थी। 20वीं शताब्दी का आरंभ इतिहास दो दो महायुद्धों का इतिहास है, जिसका मनुष्य की संवेदना, संबंध भावना और मूल्य भावना पर व्यापक असर पड़ा। भारत का स्वाधीनता संघर्ष, नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, बौद्धिक दृष्टि का विकास, विश्व दृष्टि या विश्व भावना का विकास इस युग की प्रमुख तत्व हैं। क्लासिक या शास्त्रीय युग की तुलना में यह युग साधारण और सामान्य की प्रतिष्ठा का युग है। आधुनिक युग के विकास के क्रम में समाजवाद के विभिन्न रूपों का विकास, समाजवादी आंदोलन का विकास, साधारण जन की प्रतिष्ठा में यथार्थवाद जैसी विचारधाराओं के उदय और विकास में सहायक रहा। इस युग में हम देख सकते हैं कि किस तरह यूरोप के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन ने आधुनिक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की। 1920-30 के दशक में निग्रो जाति की प्रतिष्ठा के पक्ष में जो आंदोलन चला उसके पीछे महात्मा गांधी का संघर्ष याद किया जा सकता है। आधुनिक युग के विकास के क्रम में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह यूरोप का वर्चस्व या प्रभाव क्षीण हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक देश को स्वतंत्रता मिली। कितने ही राजनैतिक परिवर्तन के साथ विश्व साहित्य जैसी पहचान भी बनता है। आधुनिक भारतीय साहित्य अनेक सामाजिक परिवर्तनों की चेतना के साथ विश्व साहित्य की परिकल्पना से अछूता नहीं है। आधुनिक युग के
अनुरूप चेतना का निर्माण जिन परिस्थितियों ने किया उसमें यातायात और संचार साधनों के विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।